हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं कोई फूड रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। मौसम सर्द गर्म होने से या फिर कुछ भी ठंडा या गर्म खा लेने से कई बार गले में सूजन आ जाती है और हल्का फुल्का जुकाम आ जाता है। सूखी खांसी हो रही है आपको, या फिर गले में स्वेलिंग आ गई है, या फिर गले में दर्द है, तो आज मैं जो होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही असरदार है और जल्द ही गले में राहत मिलेगी आपको इससे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्लास भरकर गुनगुना पानी ले रही हूँ। हल्का सा गर्म पानी ही लेना है हमें, और इसमें मैं हाफ टी स्पून भरकर हल्दी डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सारी चीजों को, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे शहद। तो हाफ टी स्पून भरकर हनी मिला लीजिए। तो बस सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए और ये हमारा गरारा करने के लिए पानी रेडी हो गया है। और इस पानी से आपको गार्गल करना है। सुबह सुबह खाली पेट में गार्गल कीजिए, और अगर आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है तो आपको ये पानी दिन में 2-3 बार बनाना है और उससे गार्गल करना है। आप चाहे तो इस पानी को पी भी सकते हैं, बिल्कुल सेफ है ये, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो गार्गल करने के साथ साथ इस पानी को आप पी भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो नमक को स्किप कर दीजिए। नमक नहीं डालना है, आप सिर्फ शहद और हल्दी मिलाना है। एकदम असरदार होम रेमेडी है जिसे मैंने खुद पर्सनली ट्राई करके देखा है। लेकिन दोस्तों, अगर तकलीफ बहुत ज्यादा है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन ये जो मौसमी सर्दी खांसी होती है उसके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके काम का होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जाते जाते लाइक करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।